अजमेर में लंपई वायरस बीमारी का असर फिलहाल काफी नियंत्रण में है। बीमारी को लेकर कुछ इलाकों से रिपोर्ट आ रही है, हालांकि वहां पशु चिकित्सकों की टीम मुस्तैदी से अपने काम में जुटी है। बता दें कि अभी तक बीमारी से 582 पशुओं की मौत हुई है, जबकि 2809 पशु इलाज से दुरुस्त भी हुए हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने बीमारी के लक्षण बताए। उन्होंने बताया कि अजमेर में गायों की संख्या लगभग 3,84,000 है और इनमें 12,989 संक्रमित हो चुके हैं। पूरी टीम की मेहनत से 12,989 संक्रमित गायों का इलाज हुआ, जिनमें 11,354 गाय इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि टीम पूरी तरह मेहनत से काम कर रही है। अजमेर जिले में मानसून की स्थिति में अभी पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप चल रहा है। यह बीमारी पश्चिमी राजस्थान में अधिक संख्या में है और पश्चिमी राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिले के अड़ाके जो हमारा अजमेर जिले का रूपनगढ़ क्षेत्र है, उसमें ये बीमारी अजमेर में सबसे पहले देखी गई थी। हमारे विभाग के 72 पशु चिकित्सक और 232 पशुधन सहायक इस बीमारी के निकट लगातार नियंत्रण में अपना कार्य योगदान दे रहे हैं और सुबह से लेकर रात्रिकालीन तक जहाँ से भी सूचना प्राप्त होती है, ये अपनी पूर्ण तरह सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।